मध्य प्रदेश के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जहां पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया तो वहीं 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया। घटना मध्य प्रदेश के नक्सली सुकमा जनपद की है जहां पुलिस और नक्सलियों के साथ करीबन 1 घंटे चली मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल और पहाड़ी का सहारा लेकर भाग खड़े हुए, लेकिन जवानों ने एक नक्सली को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। 1 घंटे से ज्यादा चली पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 जवान खतरे से बाहर हैं, सभी DRG के जवान हैं। घात लगाकर किए गए नक्सली हमले में DRG के 3 जवान घायल हो गए हैं। वहीं ब्लास्ट के बाद हुई फायरिंग में 1 नक्सली को भी जवानों ने मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री, विस्फोटक और भरमार बंदूक को जवानों ने बरामद किया है। SP सुकमा ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा 2 बार मुठभेड़ चली। नक्सलियों ने पहले IED ब्लास्ट की, फिर जवानों पर फायरिंग की। नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था। जवानों की सूझबूझ से जवानों ने घायल साथियों को बाहर भी सुरक्षित ले आए और 1 नक्सली को भी मार गिराया। पड़ियामी सनाजोर नक्सलियों के 29 बटालियन का मेंबर था। वहीं AP का कहना था कि वहां और 2 नक्सली और मारे गए हैं और नक्सलियों ने जवानों को एम्बुश में फंसने की कोशिश की थी। ये गोवंडा पहाड़ और जो अनंतपुर फुलबंगी थाना क्षेत्र है, इसकी बॉर्डर है। यहाँ पे ऑपरेशन के लिए निकली थी। कल इनके ऑपरेशन का 3रा दिन था। तो जब ये गोवंडा पहाड़ को सर्च करते हुए बाड़ों पर अतरों बढ़ रही थी तो नक्सलियों द्वारा एक IED ब्लास्ट किया गया था जिसमें हमारे 3 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को इवैक्यूएट करने के लिए हमारी पार्टियां सिरसट्टी की तरफ बढ़ रही थी तब नक्सलियों द्वारा एक दूसरा एम्बुश भी लगाया गया था जिसमें IED ब्लास्ट करके और फिर फायरिंग करके पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस पार्टी ने अपनी सतर्कता रखी और उन्होंने कुछ उनको हलचल दिखाई दी तो उन्होंने नक्सलियों को घेरना चालू किया। जैसे ही पुलिस पार्टी को घेरना चालू किया तो नक्सलियों ने फायरिंग चालू की। करीबन कुछ देर की फायरिंग के बाद में नक्सली वो जगह छोड़कर वहाँ से भाग गए। वहाँ पे एरिया का सर्च करने में बहुत सारा नक्सली सामान, एक डेड बॉडी और जो वर्दी में था, साथ ही में और भी बहुत सारा सामान हथियार के साथ में एक्सप्लोजिव और पाइप बॉम्ब, ये सारे हमको बरामद हुए। यहाँ पर उनको बरामद करके पार्टियाँ वापस आई। जिस तरह पार्टियों ने बताया, कमांडरों से जो बात हुई उससे अंदाज़ा लगता है कि शायद 2 नक्सलियों को और गोली लगी थी, लेकिन हमारे साथ में भी घायल साथी होने के कारण पार्टियों को तोड़ के बहुत दूर तक पीछा नहीं किया जा सका। इससे वो जाके बचने में सफल रहे, लेकिन उनको जिस तरह से गोलियां लगी थी वैसा लग रहा है कि 1 या 2 नक्सली और उसमें मारे गए। सुकमा से ब्रिजमोहन सिंह की रिपोर्ट।